फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं हूँ शाइनी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ NYBA वन ब्रांड ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि आप सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स NYBA से अगर खरीदें तो आपका जो डेली एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक है, आपका जो यू नो हैंग आउट और फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने वाला जो मेकअप लुक है, उसके साथ अगर पार्टी या वेडिंग सीजन का मेकअप लुक है, तो आप सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स NYBA से खरीदने से वो सारे मेकअप लुक्स अचीव कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NYBA एक ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ पर्पल वेबसाइट पर ही एक्सक्लूसिवली आपको मिलेंगे। तो पर्पल से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको 400 या 500 रुपए की शॉपिंग करनी पड़ती है, उसके बाद आपको फ्री शिपिंग मिलता है। तो अगर आप लोग पर्पल से कुछ खरीदते हैं NYBA के प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी, तो आप एक साथ खरीदेंगे इन सारे प्रोडक्ट्स को, तो आपको फ्री शिपिंग भी मिलेगी। उसके साथ क्या होगा, आपका एवरीडे काइंड ऑफ, आपका पार्टी मेकअप लुक, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने हुए। डेफिनेटली मैं जो ये लुक दिखाऊंगी ये बिगिनर्स या फिर कॉलेज या ऑफिस गोइंग लेडीज के लिए है, जिनको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता या फिर जो उतना ज्यादा प्रोफेशनल मेकअप में नहीं जाना चाहते। तो ये एकदम बेसिक सिंपल कुछ चीजें हैं। मैंने आज एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक क्रिएट किया है सिर्फ NYBA प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके। मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने स्किन को प्रेप कर रही हूँ, जिसके लिए आई एम यूजिंग NYBA स्किन फिडेंट सीरम। ये सीरम न्यूली लॉन्च्ड है, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल रिव्यू वीडियो है। और उसके बाद मैं NYBA प्राइमर इस्तेमाल करूंगी अपने टी जोन पर, अपने पोर्स को हाइड करने के लिए। ये प्राइमर भी काफ़ी अच्छा है। और मैंने यहाँ पर सीरम इस्तेमाल किया है क्योंकि NYBA का कोई हाइलाइटर नहीं है और ये सीरम एक बहुत ही ग्लोइंग और डीवी सा लुक देता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस सीरम। और उसके बाद मैंने NYBA का जो फाउंडेशन कम कंसीलर स्टिक है उसे इस्तेमाल किया है। काफ़ी क्रीमी है, इजीली ग्लाइड हो जाता है और एवरीडे बेसिस पर हम कोई ब्यूटी ब्लेंडर या मेकअप स्पंज इस्तेमाल नहीं करते, अपने फिंगर से ही इजीली ब्लेंड करते हैं। और ये फाउंडेशन स्टिक इजीली फिंगर से आप ब्लेंड कर सकते हैं और कवरेज भी ठीक ठाक है, शीयर टू मीडियम कवरेज आपको मिलेगा। नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYBA कंसीलर स्टिक। ये कंसीलर स्टिक ब्यूटीफुल है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, हाई एंड ब्रांड्स को टक्कर दे सकता है। पिगमेंटेशन ब्यूटीफुल पिगमेंटेशन है इसके। और उसके साथ मेरा जो शेड है वो है शेड नंबर 2। इसको मैं अपने अंडर आइज पर अप्लाई करूंगी, आईलिड पर अप्लाई करूंगी और अपने पिगमेंटेड एरियाज पर अप्लाई करूंगी। और थोड़ा सा हाईलाइटिंग के लिए मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज पर अप्लाई किया है। इजिली फिंगर से ब्लेंड हो जाता है, लेकिन मैं फिंगर को डैब डैब करूंगी ताकि मुझे फुल पिगमेंटेशन मिले। अगर मैंने ड्रैग कर लिया तो पिगमेंटेशन उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा। एंड देन आप लोग देख सकते हैं इंस्टेंटली मेरे फेस को एकदम ब्राइटनिंग इफेक्ट दिया है। और मैं NYBA का कॉम्पैक्ट इस्तेमाल करूंगी इस कंसीलर को सेट करने के लिए और फेस को मैटिफाई करने के लिए। एंड फिर मैं अपने आईब्रोज से जो एक्सेस पाउडर है उसे मैं रिमूव कर दूंगी एक स्पूली की मदद से। एंड देन मैं अपने आईब्रो ड्रॉ करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है NYBA कोल स्टिक द बिग एप्पल ऑफ माय आई, बिकॉज NYBA का कोई अलग से आईब्रो पाउडर या आईब्रो पेंसिल अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई। एंड फिर मैंने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि एक क्लीन स्पूली की मदद से ब्रश करते हुए। एंड देन मैं उसी सेम कोल स्टिक को अपने लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन करूँगी। और अपने लोअर वाटर लाइन पर मैं उसे एक बार फिर से अपना लैश लाइन के नीचे मोटा करके बोल्ड करके अप्लाई करूँगी, ताकि जो कोल का जो ब्लैक इंटेंस कलर है वो और भी निखर के आए। एंड यू कैन सी इसका जो कलर है वो बहुत ही ब्राइट है, एकदम जेट ब्लैक है। 100 रुपीज़ के अंदर इतना ज़्यादा पिगमेंटेशन, इतना ज़्यादा इंटेंस कलर, इट्स वेरी इंप्रेसिव। एंड उसके बाद NYBA का कोई मस्कारा अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मेबेलिन मस्कारा। और आप लोग डेली बेसिस पर तो हम लोग सभी मस्कारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यू कैन सी मेरा आई लुक एकदम नेचुरल है, सिंपल है। एंड फिर मैंने ब्लश के तौर पर इस्तेमाल किया है NYBA क्रीमी मैट लिपस्टिक इन दी शेड ऑरेंज, और ये ब्यूटीफुल कलर है, ब्लश के लिए मुझे परफेक्ट लगता है। और क्रीमी मैट लिपस्टिक्स बहुत ही ईजिली फिंगर की मदद से ब्लेंड हो जाता है और एक नेचुरल लुक देता है। NYBA का कोई ब्लश अवेलेबल नहीं है। फिर मैंने NYBA सुपर मैट लिपस्टिक इन दी शेड रेड से अपने लुक को कम्प्लीट किया है। एवरीडे मेकअप की अगर बात करें तो खुद को प्रेजेंट करने से पहले आपका जो नेल्स है वो वेल ग्रूम्ड होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है नेल पॉलिश रिमूवर, जो NYBA का ये वाला है। ये एसीटोन फ्री नेल पॉलिश रिमूवर है, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल रिव्यू वीडियो है, आप चाहे तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। और ये
अच्छा है लेकिन ये बहुत ही माइल्ड है, इसमें एसीटोन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी माइल्ड। टीनेजर्स या फिर अगर आपकी चाइल्ड है कोई तो उनके लिए आप नेल पॉलिश रिमूवर को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेल पॉलिश। तो नेल पॉलिश में आप अगर न्यूट कलर चाहते हैं तो दिस कलर इज जस्ट वेरी ऑसम, क्योंकि मैंने इस कलर को खरीदा है और मैंने काफी दिनों से इस्तेमाल भी किया है। ये न्यूट कलर में से मेरा फेवरेट है, आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उसके साथ ये वाला पिंक है, अगर कुछ डार्क आप चाहते हैं पिंक या फिर कुछ गर्ली सा कलर रेड चाहते हैं तो आप ये वाला जो है ग्लॉसी नेल पॉलिश फ्रॉम एनवाइबे आप इस नेल पॉलिश को भी खरीद सकते हैं। ओके सो ये हो गया नेल पॉलिश की बात। तो मैंने यहाँ पर लिपस्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया एक ब्राइट रेड कलर, क्योंकि मैं शूट करूंगी अभी, लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप रेड पहनना भी नहीं चाहते तो आप इस शेड को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। ये है शेड नंबर 6 विच इज माई फेवरेट वन, क्योंकि ये पिंक कलर है और बहुत ही अच्छा है। ये सुपर मैट रेंज, जो एनवाइबे का जो सुपर मैट लिपस्टिक रेंज है उसमें से ये है। बुलेट लिपस्टिक है लेकिन बिल्कुल मैट है। क्रीमी मैट रेंज में से कुछ चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट दिस ऑरेंज लिप शेड। ये मुझे पर्पस की तरफ से सेंड किया गया था और मुझे ये लिपस्टिक काफी अच्छा लगता है। नॉट बिकॉज कि मुझे पर्पल की तरफ से सेंड किया गया था, बट ये मल्टीपर्पज है। मैं इसे कभी कभार आई शेडो की तरह भी अप्लाई करती हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं पाउडर अप्लाई कर देती हूँ एंड इट बिकम्स मैट। उसके साथ मैं इसे ब्लश की तरह अभी भी अप्लाई किया है, मैंने ब्लश की तरह अप्लाई करती हूँ, वो प्रिटी ब्लश लगता है मुझे ये। सो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल था। ये एक मिनी रिव्यू टाइप्स एनवाइबे एंड वन ब्रांड ट्यूटोरियल एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक था। तो ऐसे ही लुक्स अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। आई होप ये वाला टीनेजर्स और जो अफोर्डेबल लवर्स है उनके लिए ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप लोग ऐसे ही एनवाइबे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करके ही पार्टी लुक भी देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके तो मुझे जरूर बताइए। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहां तक ही था। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए, बिकॉज आई अपलोड वीडियो एवरी सिंगल डे। सो आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड बाय बाय।